ବିଦେଶରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପୂର୍ବତନ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ବିଦେଶରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ଜାତୀୟତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମହାଶକ୍ତି ଆଖି ଉଠାଇ ଚାହିଁପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ରାନ୍ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି अस्सी हज़ार पाकिस्तानी जाने गई मुल्क तबाह हो गया तो मेरा सारा कंटेंशन ये थी कि हमारी फॉरन पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए हमारी बेहतरी के लिए हमें अपने मुल्क को कुर्बान नहीं करना चाहिए किसी और की फ़ॉर पॉलिसी ऑब्जेक्टिवस के लिए यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गया तो और फिर चाइना के ऊपर भी हम चाहते हमारा नेबर है हमारे अच्छे ताल्लुक हैं हम चाहते थे कि आगे राइजिंग पावर है हमारे हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे उनसे अच्छे तल्लत हो उधर भी प्रॉब्लम आया और फिर रूस पे जब इनविटेशन मिला तो अब हम हम क्यों चाह रहे थे हमारा तो बड़ी पहले से कोशिश हो रही थी कि रशिया हमारे साथ ताल्लुक अच्छे हो क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद हमारे और जो हमने अमेरिका का साथ दिया सोवियट्स के अगेंस्ट अफगानिस्तान में तो हमारे तो तल्ल कभी भी ठीक नहीं थे तो ये पहली दफ़ा हमने कोशिश की क्योंकि हमें बड़ा फायदा है ख़ास तौर पर गैस का आगे और हमारी पहले से हुकूमतें ये गैस पाइपलाइन की बात कर रही थी और यहाँ गैस ख़त्म होती जा रही है और दूसरा फिर हमने गंदमी इम्पोर्ट करनी थी उनसे और वहाँ हमने उनसे तय किया कि तेल 30 फीसद कम 30 फीसद कम आ, कीमत पर हमें तेल मिल रहा था तो हमने उनसे नगोशिएट करना था अपने लोगों की बेहतरी के लिए हिंदुस्तान ने नगोशिएट किया और सस्ता तेल मंगवा रहा है रूस से जबकि हिंदुस्तान की स्ट्रेटिजिक अलाइंस है आ, अमेरिका के साथ